नाजरीन आपकी खिदमत में आदाब अर्ज है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल आबिदीन बागलकोट कर्नाटका इंडिया से। बोल के सच जिंदा है अब तक के एपिसोड नंबर 11 में आपका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में वतन अजीज़ के मारूफ व सीनियर सहाफ़ी जनाब मासूम मुरादाबादी साहब की तहरीर पेश करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएंगे, जिसका उन्वान है राम नवमी पर तशद्दुद का मुजरिम कौन। गुज़िश्ता चंद दिन कबल राम नवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में फ़िरका वाराना तशद्दुद की वारदातें हुईं। इस मौके पर फिस्काई अनासिर की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों में कम से कम 2 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। कीमती अमलाक जलाकर खाकस्तर कर दी गई। तादीबी कार्रवाई हमेशा की तरह मजलूमों के खिलाफ ही की गई और अंधाधुंध गिरफ्तारियां भी उन्हीं की अमल में आई। इन्हीं के मकानों पर बुलडोज़र भी चले हैं। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड और बंगाल से लेकर गोवा तक हर जगह एक ही कहानी दोहराई गई है। राम नवमी के जुलूस को जानबूझकर मुस्लिम इलाकों से गुजारा गया और वहां मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए। मस्जिदों और मज़ारों की बेहरमती की गई। मस्जिदों के मीनारों पर भगवा झंडे फहराए गए। बेशतर मकामात पर मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, लेकिन जहां कहीं उन्हें आग में झोंकने की कोशिश की गई वहां उन्होंने अपने दिफा का कानूनी हक भी इस्तेमाल किया। जहां जहां उन्होंने अपने तहफ्फुज़ के लिए हाथ पांव चलाए वहां पुलिस और शरपसंद उन पर हमला आवर हो गए। उन्हें संगीन मुकदमात में माखूज़ करके गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मकानों पर बुलडोज़र चलाकर उनके आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के दिन लद गए हैं और हम जंगल राज में दाखिल हो चुके हैं। बुलडोज़र चलाने से पहले न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही जब्ते की कार्रवाई अमल में आई। ऐसा नहीं कि यह सब कुछ अचानक या हादसाती तौर पर हुआ है, बल्कि इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी और इन अनासिर को जमा किया गया था जो आग लगाने में महारत रखते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जहां एक पूरी मुस्लिम आबादी को ताराज कर दिया गया, जब इश्तियाल फैला तो दिल्ली बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा वहां पहले से मौजूद थे। वही कपिल मिश्रा जिन्होंने 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फसाद की आग भड़काई थी और जाफराबाद इलाके में आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में CAA मुजाहिरीन को सबक सिखाने की धमकी दी थी। यही कपिल मिश्रा दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर आग लगाने के लिए खरगोन पहुंच गए और हिंदुओं को मुश्तइल करने के लिए खुले आम ये नारे लगा रहे थे, न मूसा न बुरहान बस जय श्री राम। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब भी बेदार नहीं हुए तो मुल्क के हर खित्ते में कश्मीर फाइल्स बनने की नौबत आएगी, हिंदुओं को कश्मीर की तरह अपने घर बार छोड़ना पड़ेंगे। ये बात अकेले कपिल मिश्रा ही ने नहीं कही, बल्कि उससे पहले यति नरसिंहानंद ने भी कही थी। उन्होंने हिंदुओं से हथियार उठाने की खुली अपील की थी। कपिल मिश्रा और यति नरसिंहानंद जैसे लोग मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं और कानून को खुले आम चैलेंज करते फिर रहे हैं, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। आपको याद होगा कि 2 साल कबल जब दिल्ली में फसाद भड़काने के लिए कपिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी चाराजुई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया तो हाई कोर्ट के उस जज का ही तबादला कर दिया गया जिसने इस मामले में कोताही बरतने के लिए पुलिस को खरी खोटी सुनाई थी। अगर मुल्क में कानून का राज होता तो कपिल मिश्रा और यति नरसिंहानंद को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन कुर्बान जाइए इस निजाम के अब तक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका है। ये लोग पुलिस के तहफ्फुज़ में हर रोज एक नया और ज्यादा खतरनाक बयान दे रहे हैं। इन लोगों को कानूनी मिशनरी का जो तहफ्फुज़ हासिल है उससे तो यही साबित होता है कि सब कुछ एक प्रोग्राम के तहत हो रहा है।
हुकूमत का बुनियादी काम सभी शहरियों की जान और माल को तहफ्फुज़ फराहम करना और उन्हें इंसाफ फराहम करना है, लेकिन जब खुद हुकूमत ही किसी मामले में पार्टी बन जाए तो आप क्या कर सकते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि खुद मध्य प्रदेश के वजीर आला और वजीर दाखिला फिरका वाराना जबान बोल रहे हैं। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जिन लोगों के जान और माल के तहफ्फुज़ का उन्होंने हल्फ उठाया है वो उन्हें ही नेस्त व नाबूद करने पर आमादा है। खरगोन में तशद्दुद बरपा होने के बाद पुलिस ने रियासती वजीर आला के ईमा पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की और उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जिन्होंने सारा फसाद बरपा किया था, यानी वो खुद ही अदालत और मुंसिब भी बन गए। सूबाई वजीर दाखला निरुत्तम मिश्रा ने मुस्लिम बस्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को ही पत्थर का ढेर बनाएंगे। ये बात बड़े पैमाने पर मुश्तहिर की गई कि मुसलमानों ने रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर बरसाए, लेकिन इस बात पर किसी ने गौर करना जरूरी नहीं समझा कि आखिर ये नौबत क्यों आई। जाहिर है बिला वजह तो कोई किसी पर पथराव नहीं करता। जब मुस्लिम मोहल्लों में बजरंग दल कारकुनों ने मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया तो उन्होंने बहालत मजबूरी पत्थरों से अपना दिफा किया। यही पत्थर उनको मुजरिमों के कठेरों में खड़ा करने के लिए काफी समझे गए, जबकि बदतरीन इश्तियाल फैलाने वालों और पुलिस के तहफ्फुज में मुस्लिम बस्तियों पर पथराव करने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिन मुस्लिम इलाकों से दिफाई पथराव किया गया था उन्हें खंडर में तब्दील कर दिया गया। इन इलाकों में बुलडोजरों ने जो कयामत ढाई है उसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि आजकल बीजेपी का इख्तदार वाली रियासतों में बुलडोजर ही हुकूमत चलाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। यूपी के बुलडोजर बाबा की तो पूरे मुल्क में धूम थी, अब यही काम मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा यानी वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी शुरू कर दिया। इन बुलडोजरों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सिर्फ मुसलमान माफियाओं और फसादियों के खिलाफ ही चलते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें नागपुर में तैयार कराया गया है। उत्तर प्रदेश में तो इलेक्शन से पहले ही मुस्लिम माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर काफी तेज रफ्तारी से चल रहा था और उनकी करोड़ों अरबों की इमारतें खाक कर दी गईं। दोबारा इलेक्शन जीतने के बाद बुलडोजर बाबा इन मुस्लिम मिंबराने असेंबली पर टूट पड़े हैं। उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद शिकस्त नहीं खा सके। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि खरगोन में बुलडोजर सिर्फ उन मकानों पर चला है जो सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करके बनाए गए थे। उन मकीनों पर इल्जाम है कि उन्होंने रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किया। वजीर आला के दावे की असलियत इस वक्त सामने आई जब रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस ने पहले सफ़े पर खरगोन की बूढ़ी खातून हसीना फकरू की एक तस्वीर इस रिपोर्ट के साथ शाया की कि खरगोन में जिन मकानों को नाजायज करार देकर मुनहदिम किया गया उनमें हसीना फकरू का वो मकान भी शामिल है जो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपयों की मदद से बनाया था। हैरत है वजीर आला चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाजायज जमीन पर मकान तामीर करवा दिए, उससे तो खुद उनकी ही बदअमली साबित हुई। हसीना फकरू के पास अपनी जमीन और मकान के तमाम जायज कागजात मौजूद हैं, लेकिन अब उनके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। खरगोन के तबाह हाल मुसलमानों के एक वफद ने भोपाल में मध्य प्रदेश की डीजीपी से मुलाकात करके बताया कि रामनवमी पर खरगोन और संगवा इलाके में फिरका वाराना तशद्दुद के बाद इंतजामिया ने मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है, जबकि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिदों की दीवार पर भगवा झंडे लगाए और इंतहाई इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। खरगोन और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ है वो नया नहीं, पिछले 75 बरसों से यही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले फसादी और शरपसंद गुमनाम हुआ करते थे, लेकिन अब वो पुलिस के तहफ्फुज़ में खुलेआम घूम रहे हैं। ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो फिर इस मुल्क में किसी का भी जान और माल महफूज नहीं रहेगा। जंगल राज में अगर कोई
खुद भी महफूज समझता है तो वो उस शतरमुर्ग की मानिंद है जो रेत में अपना सर छुपाकर खुद को महफूज समझने की गलत फहमी में मुब्तला होता है। नाजरीन आज तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।